हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक्स मैथ्स जो फिजिक्स में यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है और एंगल्स को कितने यूनिट्स में मेजर करते हैं। आप ये सब चीज़ 10th क्लास में भी पढ़े हैं, है ना। 10th क्लास में स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों में पढ़ना है आप लोगों को। तो पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तीन टर्म से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है, तीन टर्म से बना हुआ है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब जो होता है इसका मतलब क्या होता है, थ्री। इसका गोन का मतलब होता है साइड्स, और इसका जो मतलब होता है मेट्रोन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में, इसको ट्रिगो भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बेसिकली हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स की मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल, है ना। अब हम देखेंगे कि एंगल्स को कितने यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। तो एंगल्स जो है उसके लिए थ्री सिस्टम्स डेवलप किया गया और उसी में हम क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर करते हैं। तो पहला जो सिस्टम्स है तो हम यहां लिख सकते हैं, देयर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। तीन सिस्टम्स हैं जिसमें हम एंगल्स को मेजर करते हैं। कौन कौन सा वो सिस्टम है, तो उस सिस्टम का पहला जो सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, क्या बोलते हैं हम उसको, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा जो जो है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच। सिस्टम। और तीसरा जो दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर सिस्टम। इन्हीं तीनों सिस्टम में हम इंग्लिश को सॉरी एंगल्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, है ना। इन्हीं तीनों सिस्टम में हम एंगल्स को मेजर करते हैं। तो पहला जो सिस्टम है उसको हम, अब तीनों सिस्टम को हम वन बाय वन क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। तो पहला जो है वो क्या है, इंग्लिश सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। इस सिस्टम में एंगल्स को हम क्या चीज में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, है ना। तो इसमें, इस सिस्टम में वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री कंसीडर किया गया है। क्या है ये जो, इसको हम डिग्री ऐसे लिखते हैं, 90 डिग्री। और वन डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट कंसीडर किया है। क्या क्या कंसीडर किया गया है, वन राइट एंगल को कितना डिग्री कंसीडर किया गया है, 90 डिग्री। वन डिग्री को कितना मिनट्स कंसीडर किया गया है, 60 मिनट्स, है ना। ये बेसिकली मिनट्स रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, ठीक है। और वन मिनट को 60 सेकेंड्स कंसीडर किया गया है ना।
दूसरा जो यूनिट है वो क्या है, फ्रेंड्स। दूसरा जो सिस्टम है या दूसरा जो यूनिट है उसको, जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स। सिस्टम है ना, तो इस सिस्टम में हम एंगल को क्या चीज में मेजर करते हैं, ग्रेड में मेजर करते हैं। क्या करते हैं, इन दिस सिस्टम एंगल्स आर मेजर्ड इन ग्रेड। तो हम लिखेंगे इन दिस सिस्टम एंगल्स आर मेजर्ड इन ग्रेड। इस सिस्टम में एंगल्स को हम क्या चीज में मेजर करते हैं, ग्रेड में मेजर करते हैं। अगेन इस सिस्टम में भी है ना, क्या किया गया है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड कंसीडर किया गया है। क्या किया गया है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना कंसीडर किया गया है, 100 ग्रेड कंसीडर किया गया है। और वन ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट कंसीडर किया गया है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड कंसीडर किया गया है ना। तो फ्रेंच सिस्टम्स में हम एंगल्स को क्या चीज में मेजर करते हैं, ग्रेड में मेजर करते हैं। वन राइट एंगल इज इक्वल टू, इसमें क्या किया गया, वन राइट एंगल को कितना कंसीडर किया गया है, 100 ग्रेड कंसीडर किया गया है। वन ग्रेड को 100 मिनट्स कंसीडर किया गया है, और 1 मिनट को 100 सेकेंड्स कंसीडर किया गया है, ठीक है। तीसरा जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, है ना। इसमें सर्कुलर सिस्टम में एंगल्स को हम क्या चीज में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, है ना। क्या चीज में मेजर करते हैं, जो आप लोग आई थिंक 10th क्लास में पढ़े भी होंगे, है ना। तो सर्कुलर सिस्टम तीसरा जो क्या है, सर्कुलर सिस्टम। इस इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम अगेन एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियन, है ना। एंगल्स को हम क्या चीज में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, है ना। अब यहां 1 रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया है उसको हम देखेंगे, है ना। तो 1 रेडियन है ना, 1 रेडियन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना। अब देखो इसको 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए एक सर्कुलर आर्क कंसीडर किया गया है ना। हमने एक सर्कुलर आर्क कंसीडर किया, और ऑफकोर्स ये आर्क है, इसको हमने मान लिया आर्क क्या है, ये भी आर्क को जनरली जैसे ऐसे दिया हुआ है ऐसे सिंबल, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आर्क। ये भी पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम कैसे रीड करेंगे, आर्क। ये भी ऐसे पढ़ेंगे, है ना। अब ये सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर। ये क्या है, रेडियस है। और ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना। तो इस थीटा को हम 1 रेडियन तभी बोल सकते हैं जब ये आर्क लेंथ, इसकी आर्क लेंथ का जो वैल्यू हो वो इसकी रेडियस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। तो हम ऐसे इसको डिफाइन करेंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन इफ लेंथ ऑफ द आर्क मस्ट बी इक्वल टू इट्स रेडियस, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन
इफ लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी मस्ट बी इक्वल टू रेडियस आर्क, रेडियस आर है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, वन रेडियन हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड वन रेडियन इफ लेंथ ऑफ द आर्क मस्ट बी इक्वल टू इट्स रेडियस, है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ कि थीटा को हम वन रेडियन कब बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थीटा इज कॉल्ड वन सी, और इसको ऐसे भी लिख देता हूँ वन रेडियन इफ इफ आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू रेडियस, है ना। इफ आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू रेडियस। अब हम देखेंगे कि इन तीनों सिस्टम में रिलेशन क्या है। तो अगला जो पॉइंट है हम पढ़ेंगे कि रिलेशन रिलेशन अमोंग अमोंग डिग्रीज grades and radians, ठीक है। अब यदि हम consider कर लें कि d degree दिया हुआ है और g क्या है, grade दिया हुआ है और r क्या है, d degree angle, d angle जो है वो degree में है, g जो है वो क्या है ग्रेड में है और आर क्या है रेडियन में है। तो हम बोल सकते हैं कि डी अपॉन 90 इज इक्वल टू जी अपॉन 100 इज इक्वल टू आर अपॉन क्या होगा पाई बाई टू, है ना। ये क्या है, डी क्या है, डी डिग्री एंगल दिया हुआ है, यदि डिग्री में दिया हुआ है तो जी क्या है ग्रेड में दिया हुआ है और आर क्या है रेडियन में दिया हुआ है। तो हम इस रिजल्ट को यूज करके वन यूनिट से अदर यूनिट में एंगल को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। वी कैन कन्वर्ट वन एंगल्स फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, है ना। तो इसको हम लिख देते हैं क्या है बीबीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये माइंड में रखना चाहिए। अगला जो हम इसमें पॉइंट देखेंगे, क्योंकि जनरली फिजिक्स में है ना सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन होता है। तो हम देखेंगे कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है ना। तो अगला पॉइंट जो लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड डिग्रीज एंड रेडियंस। अब हम देखते हैं कि डिग्री और रेडियंस में क्या रिलेशन है ना। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि यहां देखोगे डी इक्वल टू वन डिग्री रखते हैं और आर इक्वल टू वन रेडियन रखते हैं, तो आप देखो कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा पाई रेडियन आ जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो एक डिग्री जो होगा वो क्या होगा पाई अपॉन 180 रेडियन होगा, क्या होगा पाई अपॉन 180 डिग्री होगा, सॉरी पाई अपॉन 180 रेडियन। अब क्या करना है आपको, जब भी एंगल्स को क्या करना है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है पाई अपॉन 180 से सिंपली क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ना, ये आपको याद रखना है। यदि आपको क्या करना है, यहां से आप देख सकते हो कि वन रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
180 अपॉन पाई क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो यदि आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 180 अपॉन पाई से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों रिजल्ट जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको माइंड में रखना चाहिए। आई थिंक आप 10th क्लास में भी इसको पढ़े होंगे। अब हम इस पे कुछ सम देखते हैं कि अब जैसे एक एग्जांपल देखो कि आपको दिया हुआ है, कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स मेजर्ड इन रेडियंस, रेडियन इनटू डिग्री। है ना, आपको क्या करना है, इनटू डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे क्या क्या दिया हुआ है, जैसे आप कंसिडर कर लो, ए में दिया हुआ है क्या है, पाई बाई टू, बी में दिया हुआ है पाई बाई थ्री, सी में दिया हुआ है पाई बाई फोर, है ना, डी में, सपोज डी में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, पाई आई मीन थ्री पाई बाई टू दिया हुआ है।